साथ कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का, आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने नासेर्प को प्रदान किया संरक्षण। चित्रकूट जीवन पर्यंत कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने दिव्यांगजनों और उनके प्रशिक्षकों के हितार्थ कार्य करने वाले संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स रिहैब प्रोफेशनल्स एंड फिलेंथ्रोप्स नौसेप को अपना आधिकारिक संरक्षण प्रदान किया। जगत गुरु जी से आज चित्रकूट स्थित तुलसीपीठ में नासेर्प के प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय कमेटी से राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीश कुमार पांडे, महासचिव अभय प्रकाश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, अमित अवस्थी, कोषाध्यक्ष मुकेश वाजपेयी और चित्रकूट मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह और जिला चित्रकूट अध्यक्ष कमलेश शर्मा, संजय आदि ने भेंट कर जगत गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर मुकुंद मोहन पांडे, एसपी मिश्रा, पीआरओ प्रफुल्ल पांडे ने नासेर्प को पूर्ण अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। जगत गुरु जी ने संगठन के निवेदन पर उनका संरक्षण बनना स्वीकार किया और माननीय उच्चतम न्यायालय विशेष शिक्षकों के प्रति दिए निर्णय को लागू कराने में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन संगठन को दिया। ज्ञात हो कि 28 अक्टूबर को माननीय न्यायालय में परिषदीय विद्यालय में स्थायी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए और समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत विशेष शिक्षकों को पूर्ण संरक्षण और उनको समान शिक्षकों के बराबर वेतन देने का निर्णय दिया, जिससे पूरे देश में और प्रदेश के लाखों विशेष शिक्षकों में एक उत्साह की लहर है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के लाखों दिव्यांग बच्चों को उनके निकट के विद्यालयों में शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जिससे उनके उज्जवल भविष्य का रास्ता प्रशस्त होगी। रजनीश कुमार पांडे के नेतृत्व में लड़े जा रहे इस केस के निर्णय का लाभ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। उक्त आशय की जानकारी पीआरओ एसपी मिश्रा ने दी। लाइव टीवी समाचार के लिए चित्रकूट धाम मंडल से मंडल ब्यूरो भारत भूषण शुक्ला की रिपोर्ट। मैं किस तरह से करूंगा इसको, मैंने 2001 में कर दिया था, अर्थात दिव्यांगों का विश्वविद्यालय बनाकर मैंने कर दिया जो कुछ करना। अब तो ये औपचारिकताएं हैं, सब होती रहेंगी। कैसे इन लोगों को संदेश देंगे? आपने तो बहुत कुछ कर दिया, ये कैसे करें? करेंगे, संदेश हमसे ले लेंगे, उसको तुमसे क्या जानना, बताओ। मैं यही करूँगा, मैं कहूँगा सबको सर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और प्रत्येक विद्यालय में एक दिव्यांग रखा जाए। एक विशेष शिक्षक रखा जाए, उसमें वरीयता दिव्यांगों की हो। ये मैं और नहीं कि सकलांग विशेष शिक्षक ही रख लिया जाए। जब तक दिव्यांग बने तब तक दिव्यांगों को रखा जाए और जब उनसे बचे तब सकलांगों को दिया जाए। लड़ते हैं हम लोग 2016 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किए थे, जिसका जजमेंट आया है। 3 जजमेंट ने ये जजमेंट दिया है कि पूरे देश के सभी राज्यों में हर स्कूल पे लगभग दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और उसमें जो ऑपरेटिंग पार्ट है उसमें ये भी उन्होंने जो लोग काम कर रहे हैं, लगभग 28,500 समथिंग लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में विगत 6 सालों से, उनके लिए भी उनको भी प्रोटेक्ट किया है कि मतलब जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली कहीं मतलब 2 राज्यों को छोड़ के कहीं भी रेगुलर टीचर नहीं रखे जाते हैं, तो जब तक टीचर नहीं आ जाए तब तक वो लोग काम करते रहेंगे और उनको सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये माहौल बनाया है कि जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि टीचरों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वैकेंसी वगैरह थी नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो जो लोग काम कर रहे हैं अगर सरकार चाहे तो उनको जो 10-15 साल चाहे उनको रेगुलराइज कर दे ताकि उनको रेगुलर टीचर मिलते रहें मिलने बच्चों को और ड्रेस नहीं। और यहाँ पे हम लोग आज आए थे चित्रकूट में गुरु जी के पास कि उनको हम लोगों ने ऑर्डर को समर्पित किया है और उनसे निवेदन किया है और कि आदरणीय गुरु जी हम लोग को आशीर्वाद दें और हमारे जिससे बल मिले और सब अच्छे बने। आदरणीय गुरु जी के कब फैसला आया था? फैसला पिछले महीने
अभी भी ये मैटर क्लोज नहीं हुआ है। मार्च में ऑनरेबल कोर्ट ने फिर इम्प्लीमेंट करके फिर बुलाया है सरकारों को कि मतलब कितना आगे फिर फर्दर करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।